खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता। पे से रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें कोलकाता से। राज्य का सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण सम्मान नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को बंगाल सरकार देना चाहती है, लेकिन अमर्त्य सेन इस पुरस्कार को नहीं ले रहे हैं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में अमर्त्य सेन विदेश में हैं। कल राज्य सरकार द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी के मामले में समयबद्ध तरीके से जांच किए जाने की रविवार को मांग की और कहा कि यदि किसी नेता ने कुछ गलत किया है तो पार्टी राजनीतिक रूप से उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, मगर यह जांच समयबद्ध में हो, चाहे एक महीना लगे या दो महीने। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने संवाददाताओं से कहा कि पार्थ चटर्जी के खिलाफ यदि कोई तथ्य या सबूत जाँच एजेंसी कोर्ट में जमा करती है तो कोर्ट उसे मान्यता देती है तो पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी। We have seen CBI and ED investigations in different cases. Time taking too long and the advantage goes to the opposition. They are making a distorted campaign against us. So we demand a time bound, maybe in 1 month or 2 months, a time bound inquiry. On this particular subject and regarding Partho Chattopadhyay, if we have made it very clear that Trinamool Congress will not support anything wrong, if the investigating agency submits any kind of proof to the court and the court acknowledges that facts, then Trinamool Congress will not take a further second to announce next step against that. शिशिर अधिकारी के सांसद पद की सदस्यता खारिज होगी या नहीं, इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में पार्टी नेता व वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने दल बदल कानून के आधार पर लोकसभा सांसद शिशिर अधिकारी को अयोग्य घोषित करने के लिए लोकसभा के स्पीकर के पास आवेदन किया था। उस आवेदन को लोकसभा की विशेष अधिकार समिति के पास भेजा गया था। अब इसकी सुनवाई 28 जुलाई को होने जा रही है। ईडी द्वारा गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा कि ज्यादा महत्वाकांक्षा के चलते अर्पिता ने अपनी विधवा मां मिनोती मुखर्जी को बेलघरिया में अपने पैतृक फ्लैट में ही छोड़ दिया। अर्पिता की मां ने मीडिया को बताया कि जब से उसकी बेटी डायमंड सिटी फ्लैट में रहने लगी है तब से बेटी के साथ उनके संबंध बहुत खराब हो गए। করতে হবে, মা হিসেবে তো সেটা চিন্তা আছে, বাবা মা যেটা চাইবে ছেলেমেয়েরা সেটা করবে। তাহলে তো মেয়েটার তো আমি বিয়েটা দিয়ে দিতেই পারতাম। তার মাকে দেখতে আসে, এদের সাথে কথাবার্তা বলে, কি খাচ্ছ, কি ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছ কি না, যোগাটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না, এক্সারসাইজ ব্যায়াম তোমার মেসেজে লোক পাঠাবো কি না, এরকম যেরকম হয় মায়ের সাথে কথাবার্তা। বেশিক্ষণ থাকার সময় কোথায় আছে, যে যা নিজেই কাজ আছে সব। এক ঘন্টা থাক। जीरो की खबरों पर एक नजर। पिछले कई दिनों से कोलकाता समेत जिलों में रुक रुक के बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व व पश्चिम मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, बांकुड़ा में बारिश बढ़ने की संभावना है। वहीं कोलकाता में इसी तरह से लगातार रुक रुक के बारिश होती रहेगी। मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के संबंध में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उनके नेताओं का रवैया निंदनीय है। ना कुछ बोलते चाहिए ना, क्या एक तो अभी इंक्वायरी चल रहा है वहाँ पे, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे ये करके, लेकिन जो जनरल टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है वो भारत सरकार की और भारत सरकार के कुछ नेताओं की, वो गलत है, निंदनीय है। जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये तरीका नहीं है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर बगैर किसी पुष्टि के, बगैर किसी एविडेंस के आप इस तरह से आप उनको हरास करने का ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है। देश दुनिया की खबरें। आईएससी 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। 99.38% परिणाम आया है। मनोरंजन जगत की खबरें। कपड़े छोड़कर उर्फी जावेद ने गुलाब की पंखुड़ियों से ढका शरीर, बोनलेस देख उड़ जाएंगे होश। एक नजर धार्मिक खबरों पर।
कल सावन का दूसरा सोमवार है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। अब तक के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।